अमीन भाई उस दिन मेरे को ठीक कह रहे थे, मैंने बोला था इनको ये चीज, मैं कहा संजय भाई उतनी करो जितनी। स्क्वाड गलत कर रहा था, आज स्क्वाड ठीक करवाया। चटक गया क्या? ट्रिप न्यून थे, मैं कहा न्यू फिर न्यून ना। वेलकम बैक टू द चैनल, इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और भाई बीमार पड़ने का मौसम आ गया है, धड़ाधड़ सब बीमार पड़ रहे हैं। मेरा भी गला क्यों खारिश होने लग गई है गले में, सब बीमार पड़ रहे हैं। मैं जिसको जिससे ही बात कर रहा हूँ ना तो कह रहा भाई बीमार हूँ, और उसका रीज़न एक ही है कि मौसम चेंज हो रहा है। और सही में मौसम चेंज हो रहा है, पर ये ट्रैफिक क्यों मिल रहा है? सिर्फ एक बस की वजह से। ओ ओ ओ ओ, ओ। मेरी तो बात ही छोड़ दो, मैं तो इसलिए बीमार पड़ रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके आया था और आते ही मैंने फिर इसे निकाल के ठंडा पानी पी लिया, इसीलिए गले में दर्द हो रहा है। और आज भी देखो ना यार, फिर मैं सोचता हूँ अंधेरे में ना व्लॉग बनाऊँ, पर क्या करें सारे दिन टाइम नहीं मिलता। उसके बाद जब मैं निकलता हूँ तो शाम को रात हो चुकी होती है। अभी बेसिकली देखा जाए तो शाम ही है, 6 बज रहे हैं, अब शाम में रात हो जाती है तो क्या करना है, तो करना ही पड़ेगा ना उस टाइम भी। तो इसीलिए सॉरी यार, अंधेरा है फिर मैं क्या बोलूँ अब इस बारे में, बट वही है, अब जब ठाना है तो फिर करना ही पड़ेगा ना। और अभी ऐसा हो रहा है, मैंने सही बता रहा, अभी फ्रेंड ने भी मैसेज किया था, बात मान लिया कर फ़ायदे में रहेगा, बट क्या करूँ मैं जानबूझ के तो नहीं करता ना। उससे पहले मैंने जब हम बूरसिंह महादेव गए थे उधर कहना नहीं माना, तो लाइक मेरा पाँव घुस गया खाई में, चोट लग गई। देन उसके बाद दोबारा शामिन ने मुझे बोला कि भाई ज़्यादा जोर मत लगाओ, आज पहला दिन है, ज़्यादा जोर मत लगाओ, आज पहला दिन है, रहने दो। मैं कहा नहीं, एक ही दिन में उखाड़ेंगे सब, एक ही दिन में करके दिखाएंगे बस। उसके बाद आज 3 दिन हो गया, 3 दिन बाद जा रहा हूँ मैं, जबकि शामिन कह रहा था कि रोज़ आना। मैंने उसी टाइम बोल दिया था भाई, अंदर से मेरी आत्मा हंस रही है मेरे पे कि तू रोज़ आएगा, हो नहीं सकता। आज 3 दिन बाद जा रहा हूँ मैं, देखो। और 3 दिन में ना ऐसे ही हो रहा है कि एक दिन में 3 दिन बाद जा रहा हूँ, और जिम भी मैं कंटिन्यूसली नहीं जा पा रहा हूँ, वो भी ब्रेक लगा हुआ है उस पर भी, क्योंकि मेरा पूरा यार राइट हैंड साइड का, राइट हैंड से बोल कर आता हूँ ना, उस दिन राइट हैंड से इतना जान लगा दिया कि पूरा राइट साइड है जो मेरा, ये देखो जान बूझ के गड्ढी फंसा लेते हैं यार। पूरा राइट साइड मेरा ऐसा लग रहा था वो किसी ने डंडों से पीटा हो, क्योंकि बहुत टाइम बाद अगर करेंगे तो फिर उसका शरीर में पेन स्टार्ट हो जाता है, और वो पेन फिर जो मस्कुलर सोरनेस होती है ना, जो सोर होता है मसल, फिर उसमें टाइम लगता है, तो उसके वजह से मेरा दोनों ही चीज़ बंद हो गया था। लास्ट मंथ भी ऐसे ही हुआ था, अक्टूबर के मंथ में भी, उधर से हम राजस्थान से आ गए, मैंने सोचा अब मैं बॉडी वेट कम करूँगा, क्योंकि वहाँ भी सब कह रहे थे कि यार बॉडी वेट बहुत ज़्यादा, तेरा पेट बाहर आ रहा है। मैं कहा ठीक है, जिम गया मैं, गल गिनती के 4-6 दिन गया हूँगा, उसके बाद मैं बीमार पड़ गया फिर 1 महीने के लिए। अभी भी फिर सेम सिनेरियो ना हो, इस करके मैं कहा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि बॉडी धीरे धीरे यूज टू हो जाए। और आज भी थोड़ा सा मेरे को ना अच्छा फील हो रहा है, तो इसीलिए मैं कहा चलो चलते हैं। आज थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पर काम करेंगे, जो मेन प्रॉब्लम है ना शोल्डर से ज़्यादा मेरे पोस्चर का, बॉलिंग के टाइम पे अगर मैं ठान रहा हूँ तो फिर सीख ही लेता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि मेरे को भी ऐसा होता है सैटरडे संडे खेलना चाहिए, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं मैच, अगर मैं थोड़ा बहुत सीख लूँगा तो मैं भी शायद खेलने लग जाऊँ। और अभी से सब कुछ छोड़ दूँगा तो यार बाद में क्या होगा, 4-5 साल बाद तब तो मैं बैट डॉली हालत पर आ जाऊँगा, तो इस डर से भी मैं चलो सीख लेते, थोड़ा बहुत कर लेते, थोड़ा बहुत आ ही जाएगा तो अपना ही फ़ायदा हो जाएगा, इसीलिए चल पड़े थाना हुआ है। और वीकनेस तो देखो असर तो दिख रहा है, वीकनेस तो मेरे को फील हो रही है क्योंकि मैंने काप्स कम करे हुए हैं पहले, आप ये मान लो काप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मुंह का टेस्ट होता है ना भाई, मेरे को पता है मैं घर में मिठाइयाँ कैसे इग्नोर कर रहा हूँ, और बाकी चीज़ें जो परांठे वरांठे हो गए खा रहे हैं सब, मैं कैसे इग्नोर कर रहा हूँ मेरे को पता है, पर मेरे को लगता है ज़्यादा दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा।
संडे वनडे को मैं उड़ा दूंगा लग रहा है सब, पर मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना कम रखूं। मैं एकदम से पहले मेरा मोटिव यही रहता है कि एकदम से सब कुछ ना छोड़ा जाए, धीरे धीरे करके छोड़ा जाए। ना जो मेरे लिए और भी ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं, पता नहीं मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि बाहर निकलने का जो मौका है ना वो मेरा ख़त्म हो चुका होगा अगले 20 दिनों के लिए, 15 से 20 दिनों के लिए, और वो थोड़ा लंबा भी खींच सकता है। मेरे हिसाब से देखो शायद, अगर पता नहीं मैं हिम्मत कैसे जुटा पाऊंगा वो कंटिन्यू रखने का। आज 15th डे है मेरे हिसाब से, 15th नहीं आज 14th डे है मेरे हिसाब से, तो बचे तो दिन गिने चुने हैं, बट मेरे को वैसा फ़ायदा नहीं दिख रहा क्योंकि व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी आ रही है, न्यू व्यूअर्स ऐड हो रहे हैं, बट जैसे कि एनालिटिक्स में है न्यू व्यूअर्स कम से कम 95-97% हैं, और जो रिटर्निंग है ना वो बाकी 2-3% है, तो इसका मतलब है कि लोग जो व्यूअर्स है वो दोबारा आ नहीं रहे हैं चैनल सर्च करके कि देखने के लिए। और उसमें मेन कारण ये है कि मेरे हिसाब से चैनल का नेम इतना अटपटा सा है कि लोग भूल ही जाते होंगे कि लास्ट टाइम कौन सा चैनल पे क्या देखा था, तो उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ चैनल का नाम बदला जाए। अब मैं सजेशन कैसे मांगूंगा, सजेशन मांगने लायक भी नहीं हूँ। कहाँ आ रहा है भाई, कैसे मांगूंगा, मेरे दिमाग से परे वो चीज़, पता नहीं यार मैं कब क्या रखूँगा क्या मेरे को, और ऊपर से राइडर वाइडर ये बाइकर वाइकर मेरे को समझ नहीं आता नाम। बट अभी मैं बाहर नहीं जा सकता 2-3 हफ्तों के लिए, अभी ग्रुप में लड़का हल्ला लड़के बोल रहे हैं, राइडर्स बोल रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं ग्रुप के कि कुल्लू चलो कुल्लू चलो, यानी कि कुल्लू जाएंगे तो मनाली तक भी जाएंगे, और मनाली जाएगा तो फिर कोई भी सिसु तक तो ज़रूर जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अभी जा नहीं सकता हूँ, और जब मैं बोलूँगा ना चलने के लिए फिर देखना कोई नहीं जा रहा होगा। तो ऐसी अभी दुविधा में हूँ मैं, पता नहीं यार क्या होगा। और भाई शामिन के एकेडमी मैंने देखा भाई, बच्चों के साथ साथ डेस्परेट पेरेंट्स भी आते हैं यार, कि भाई बच्चों को ना खुद भी ध्यान देते हैं गेम में, आते हैं पूरा देखते हैं बच्चे कैसा खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट बोलते हैं ना जो, फुल ऑन सपोर्ट है यार, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खुद खड़े होते हैं ग्राउंड में। भाई इशरत क्रिकेट अकेडमी आ गए, अभी क्यों नहीं चमक रहा है ये, अभी भी नहीं चमक रहा क्या, अब देखता हूँ मैं, यहाँ पे अंधेरा भी। अभी आ गए अकेडमी में, शामिन भाई उस दिन मेरे को ठीक कह रहे थे, मैंने बोला था इनको ये चीज, मगर संजय भाई उतनी करो जितनी हो सके, बट माने नहीं, मैं क्या करूँ यार, बैंड बज गई और जोर लगाते जा रहे और जोर जोर से, और वो भाई बैट्समैन कह रहा भी आप स्लो मत कराओ, आप तेज कराओ, अच्छी करा रहे हो, उसको मजा आ रहा था यार तेज खेलने में, उसको मजा आ रहा था पुरानी बॉल से, क्योंकि वो अच्छे मार रहा था, सही बैट भी सही चल रहा था उस दिन, उसका स्पीड आ रही थी, हाँ स्पीड तो आ रही है, बस स्पीड तो आ रही है, काश बोल देते उसी टाइम स्पीड नहीं आ रही, अभी धीरे कराओ मैं भी चढ़ गया उसी बात पे। नहीं नहीं स्पीड, आज पानी क्यों गिर दिया इस पे, थोड़ा ये मिट्टी डाली है, खड्डा हो गया था ना, आप कह रहे थे पैर मुड़ देगा इसलिए, टी शर्ट सही लग रही है, इधर बैठ गया, फायदा उठा रहे हैं भांजे होने के, हैं और क्या, देख लो सुनाते नहीं मामा को कुछ, आप नहीं सुना दिया करो यार, अभी है नहीं, अभी उतने नहीं हुआ है, तो आज थोड़ा सा मैं क्या, इसीलिए शाम को मैं फटाफट निकल जाते हैं, एक दो दिन उस पर वर्क करते हैं, क्योंकि एक टीम में जाना है मेरे को, आप टीम वालों आप बुला सकते हो मेरे को। अरे नहीं 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 सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, शामिन हंस रहे इसको, वेली में मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियसली खेलने के लिए सीख रहा हूँ भाई, ना ना देखो मैं खेलने के लिए सीख रहा हूँ, आज थोड़ा सा पानी डाला हुआ है क्योंकि उस दिन यहाँ ना गड्ढा बना हुआ था, इसलिए एक आधे दिन में सूख जाएगा। ये देखो हालत, बच्चों से ज़्यादा मैं थक गया आज, वर्कआउट के नाम पे कुछ भी नहीं किया, और मेरी हालत ऐसी रखी जैसे मैं कितना ही दौड़ कर आया हुआ हूँगा, और जबकि मेरे साथ इन सब ने भी किया है जितने भी ये खड़े हैं, इनको पसीने का एक बूंद नहीं आया हुआ, बट अभी मैंने बहुत टाइम बात किया ना शायद इस करके, स्क्वाड गलत कर रहा था आज, स्क्वाड ठीक करवाया, चटक गया क्या, अरे उल्टा सीधा स्क्वाड कर रहा था, ठीक स्क्वाड करा दिया,
पहले बार बार ऐसे 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 कर ही जाता था, अब करवा दिया तो हो गया। सो आज का सेशन खत्म, शुरू से अगर कर रहे होते अभी तक, हाँ तब तो कर लेता ना शामिल। ये लो देख लो भाई, गोप्रो देखना चाह रहे थे, मैं कहा देख लो किसी के पास तो है कि नहीं, एक तो मुकर गया गोप्रो लेने से, इंस्टा 360 ले आया। तो भाई कहता आवाज होती है इसके अंदर, आवाज रिकॉर्ड होती है, ठीक है अभी। सो भाइयों आज का सेशन खत्म और बुरा हाल हो गया, बच्चे सब बस रवाना हो रहे हैं, आपके बच्चे सारे के सारे, मेरे बच्चे नहीं, मेरी एकेडमी के बच्चे, एकेडमी के बच्चे, कहने का मतलब अभी तो शादी नहीं हुई यार, आप बच्चे बना रहे हो मेरे, एकेडमी के बच्चे, ये भी बच्चे जैसे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, कितनी गलतियां करते हैं। तो वाह लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं आज, आज ना उस दिन कल परसों जितना पेन नहीं हो रहा कंधे में, आज बिल्कुल रिलैक्स था यार, बट इसको धीरे धीरे करेंगे। आपने तो गलती सीन करा दिया मेरे को। अरे अलग ही नाच रहा था स्क्वाड के चक्कर में, आज मस्त लगा वैसे, इन्होंने सही बताया एकदम, थोड़ा सा रोज आ जाना भी जो भगवान के दया से इतने साल में थोड़ा बहुत सीखा हूँ मैं इधर उधर जाके, कुछ फायदा हुआ, कुछ तो फायदा हुआ। नहीं नहीं और चीज भी बता दूंगा मैं, खुद नहीं कर पाता वो बात अलग है, क्योंकि थक जाता हूँ। थक जाता हूँ। टाइम बेटा मेरे पास फोन नहीं है। टाइम को ये बताओ कैसी लग रही है, क्या कराया कल, कराया सूरज पे से, ये चाबी उसमें दीवार की तरह, अच्छा लग रहा है ये तो, अच्छा लग रहा है ये तो, अच्छी लग, ये पिछले टायर में थोड़ा ऐसे ऐसे स्क्रैच था ना, ये करवाया है दीपक की तरह, हाँ नहीं नहीं ये बढ़िया है, अच्छी लग रही ना, हाँ ब्लू कलर ना, हाँ उस साइड को, उस साइड को, ये स्ट्रिप नियोन थे, मैं कहा ये नियो, फिर नियोन ना छपरी जैसा लगता, ज्यादा ब्राइट हो जाता, मैं कहा ब्लू, ये डे में ठीक लगेगा यार, ये छूट रहा है क्या चीज, अरे मैं अपनी लाइट जला रहा हूं, इधर दिखाओ, ये देखो आओ पानी की वजह से, चलो कोई नहीं, एक आदि तो मैंने उसको बोल दिया भाई अगर जहाँ से छूटेगा ना वहाँ से चेंज करना पड़ेगा, कहता ठीक है आप आ जाना कर दूंगा, चलिए निकलते हैं ना, चलो लगी हुई है मस्त, तो लाइटें अभी भी लगी हुई है जगमगाती हुई, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अभी पूरे फेस्टिवल ख़त्म नहीं है भाई, अभी तो जैसे स्टार्ट हुआ है, अभी तो गुरुपर्व भी आना जरूर बाकी है, गुरुपर्व आएगा अभी तो। फिलहाल मेरा प्लान ये है कि आपको डोमिना 250 जो कि 2024 मॉडल है ना, उसका रिव्यू मैं आपको बना के दूँ कि कैसा है टेस्ट राइड वगैरह, कितना मज़ा आ रहा है, कुछ चेंजेस है कि नहीं है पुरानी से, और वी स्ट्रॉम के कंपैरेटिवली अच्छी है कि नहीं है, पहले मैं डोमिनार की बनाऊंगा, देन उसके बाद कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो आकाश के पास वी स्ट्रॉम है, वी स्ट्रॉम लेके दोनों का कंपैरिजन करके बनाऊंगा आपको, सामने खड़ी कर लेना, सामने खड़ी करके बनाऊंगा, किसी दिन संडे राइड भी जाएंगे मैं वी स्ट्रॉम ले लूंगा उससे। यार मैंने जैसे आपको कल का प्लान भी बता दिया, क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो देखो हो सकता है वही कि रिव्यू वीडियो आए, अदरवाइज कुछ और होगा तो कुछ और भी दिखाएंगे, आपको प्लान मैंने आपका पहले बता दिया, अपने प्लान आप लोगों को, और आज के सेशन में अच्छा लगा, मज़ा आ गया, आज शोल्डर पेन नहीं था तो ज़्यादा बेटर फील हुआ, और पाँव भी थोड़ा सा ठीक हो गया जिस कारण मैंने बोलिंग छोड़ी थी, वो चीज़ अभी थोड़ी सी अच्छी हो रही है। सो थोड़ा कृपा करो और आप भी ट्राई करो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो ऑलराइट यार इतना ही था, देखो रात का व्लॉग, दिन का व्लॉग, फिर रात का व्लॉग, ऐसी ही सीक्वेंस बना हुआ है, आई रात का है, आप कल देखना फिर दिन का आएगा, क्या करें यार मजबूरी है, सर्दियों का टाइम है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो गया तो अब करना ही पड़ेगा ना, मेरी भी प्रॉब्लम है समझा करिए, और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, फिर मिलेंगे हम अगले व्लॉग में।